गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन. द ग्रेट बियर एंड द लिटिल बियर बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को भी सुना दूं. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल वूमेन इन ग्रीस. हर नेम वाज कैलिस्टो. शी हैड अ सन नेम्ड आर्कस. शी वाज वेरी हैप्पी लुकिंग आफ्टर एंड प्लेइंग विथ हिम. हाउएवर हर हैप्पीनेस वाज नॉट गोइंग टू लास्ट. एक समय की बात है कि जब एक ग्रीस में एक ब्यूटीफुल औरत रहती थी जिसका नाम कैलिस्टो था और उसके बेटे का नाम आर्कस था. वो दोनों बहुत ही खुश रहते थे. वो अपने बेटे को देख के बहुत खुश होती थी और उसके साथ खेल के बहुत खुश होती थी. लेकिन उसकी खुशी जो है ज़्यादा दिन तक नहीं रही. मेनी पीपल वेयर जेलस कैलिस्टो वेयर कैलिस्टो. दे वेंट टू अ गॉडेस एंड सेड टू हर ब्यूटीफुल गॉडेस कैलिस्टो सेज She is more beautiful than you. The goddess was furious. She cursed Callisto and changed her into a bear. Callisto's hands and feet changed into paws with sharp claws and sweet voice became a savage growl. Her mouth was filled with tribal teeth and her delicate jaws became rough and powerful. बहुत सारे लोग जब कैलिस्टो से जलने लगे और वे लोग गॉडेस के पास चले गए और उनसे कहा, ब्यूटीफुल गॉडेस, कैलिस्टो ने कहा है कि वो आपसे ज़्यादा सुंदर है. इसलिए गॉडेस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई और कैलिस्टो को श्राप दे दिया और उसको एक बियर में बदल दिया. कैलिस्टो के हाथ और पांव चेंज हो गए पंजे में और वो बहुत ही भयानक हो गई. उसका वॉइस जो था वो मीठी आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा डरावना और जानवर की आवाज़ में बदल गया और उसके माउथ जो थे वो कोमल जबड़े से एकदम पावरफुल जबड़े में बदल गया और वो बहुत ही भयानक हो गई और उसके दांत बड़े हो गए. इस तरह से वो एक बिग बियर बन गई. और ये बात किसी को भी मालूम नहीं था, उसके बेटे को भी मालूम नहीं था. द बिग ब्लैक बियर मूव्ड हैवीली टुवर्ड्स हर सन आर्कस. ही स्क्रीम्ड इन टेरर. देन द ब्यूटीफुल वुड फेरीज केम एंड रश्ड अवे विथ आर्कस. कैलिस्टो लुक्ड लाइक अ फेरो सीएस बियर बट शी वॉज स्टिल जेंटल एंड लविंग. शी वॉज एफ्रेड ऑफ ऑल बियर्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स. शी रैन अवे फ्रॉम हंटर्स एंड देयर डॉग्स टू. जब वो एक भयानक बियर में बदल गई तो वो अपने बेटे के पास गई, लेकिन उसका बेटा जो है उसे देख कर डर गया. वैसे ही तब ब्यूटिफुल वुड फेरीज, खूबसूरत लकड़ी की परियां आई और आर्कस को वहां से ले गई. कैलिस्टो देखने में भयानक थी बट वो अंदर से बहुत ही जेंटल और लविंग थी. शी वाज एफ्रेड ऑफ ऑल बियर्स एंड अदर्स वाइल्ड एनिमल्स. वो भालू बनी हुई थी लेकिन वो बहुत ही अच्छी थी और वो अदर यानी कि दूसरे जानवरों से, जंगली जानवरों से और भालुओं से वो डर रही थी. और वो वहाँ से शिकारियों से और उसके कुत्तों से बच के वहाँ से चली गई. एट फर्स्ट द बियर वुड गो टू द हर्ट वेयर हर सन लिव्ड विद द वर्ड फेरीज वुड फेरीज. जब पहली दफा जब वो अपने बेटे से मिलने के लिए गई तो फेरीज ने शी वॉन्टेड टू लुक एट हर सन एंड एज ही स्लेप्ट इन हिज लिटिल बेड. जब पहली दफा जो बियर जो थी वो अपने बेटे से मिलने के लिए गई, क्योंकि उसका बेटा जो था वुड फेरीज के पास था, वो अपने बेटे से मिलना चाहते थे. इसलिए जब वो गई तो देखा कि उसका बेटा जो है वो लिटिल बेड पर सोया हुआ है. After some days, the bear could not go near the hut. Men and dogs wanted to kill her, so she went far away and hid herself in a thick forest.
बहुत दिनों से वो अपने बेटे से नहीं मिली और वो शिकारी के डर से और उनको कुत्तों के डर से वो घने जंगल में जाके छिप गई। डेज वीक मंथ्स केम एंड वेंट अवे द सीजन चेंज्ड द बियर लिव्ड अलोन एंड लोनली। दिन हफ्ते महीने बीत गए और सीजन जो है बदल गया और जो भालू जो कैलिस्टो को भालू बना दिया गया था वो बेचारी वो हमेशा अकेली रहने लगी। इतने दिन हो गए लेकिन वो उसने अपने बेटे से नहीं बात की नहीं मिली। वन विंटर नाइट शी ड्रीम्ड ऑफ आर्कस। एक जाड़े की रात में उसने अपने बेटे आर्कस को सपने में देखा। शी लॉन्ग्ड टू सी हिम अगेन कि वो बड़ा हो गया है। शी डिसाइडेड टू गो एंड सी हिम इन स्प्रिंग। स्प्रिंग केम द बियर मेड द लॉन्ग जर्नी टू सी हर सन। वन इवनिंग द बियर वॉज वांडरिंग इन अ वुड। सडनली शी सा अ हैंडसम यंग हंटर। ही वॉज गोइंग टू शूट एन एरो एट अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ब्रांच। इट वॉज आर्कस हर सन। एक दिन जारे की रात में उसके बेटे का सपना आया तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपने बेटे से मिलने के लिए स्प्रिंग में जाऊंगी, यानी कि बसंत के मौसम में उस अपने बेटे से मिलने के लिए जाऊंगी। काफी यात्रा करने के बाद वो पहुंची तो उसने शाम हो गया तो उसने वन इवनिंग द बियर वॉज वॉन्डरिंग। शाम में जब वो पहुंची वहां सडनली ही सा तो अचानक से जो कैलिस्टो है जो बियर बनी हुई है उसने देखा कि एक हैंडसम यंग हंटर एक चिड़िया पर निशाना साधा हुआ है जो शाखा पर बैठी है पेड़ की शाखा पर बैठी है और ये कोई नहीं था बल्कि ये आर्कस था कैलिस्टो का बेटा था। तो ये बियर वो उसको देख रही थी। एक यंग हैंडसम यंग हंटर को वो देख रही थी। The arrow missed its mark. The bird flew away. जब आर्कस का तीर मिस्ड हो गया और पक्षी उड़ गई। सडनली आर्कस फील्ड डेट समवन वॉज वॉचिंग हिम। तो उसे अचानक से महसूस हुआ कि उसे कोई देख रहा है। ही टर्न्ड एंड सा ह्यूज ब्लैक बियर स्टारिंग एट हिम। तो उसने देखा जब मुड़ के देखा तो देखा कि एक बड़ा सा बियर उसे देख रहा है। ही वॉज एफ्रेड द बियर वुड किल हिम। और वो डर गया और उसे मारने के लिए मतलब कि मारने की सोची। सो ही पुट एन एरो इन हिज बॉ टू किल इट। द बियर वॉज साइलेंट इट कुड नॉट मूव। जब आर्कस ने उसे मारने की सोची उस बियर को मारने की सोची तो बियर जो है चुपचाप से उसे देखने लगी और कुछ नहीं बोल रही थी बस आर्कस को देखी जा रही थी। देन समथिंग हैपेंड विच यूनाइटेड मदर एंड सन फॉर एवर। जुपिटर द फादर ऑफ आर्कस लुक डाउन फ्रॉम हिज पैलेस। आर्कस के जो फादर थे वो पैलेस से देख रहे थे कि ये दोनों साथ साथ रहते थे और ये क्या हो गया। जुपिटर जो आर्कस के फादर थे वो अपने पैलेस से देख रहे थे। ही वॉज शॉक्ड वो शॉक्ड हो गए एट व्हाट ही सा वो क्या देख रहे हैं। His son was going to kill his mother. जो आर्कस है वो अपनी माँ को मारने जा रहा है। कैलिस्टो जुपिटर वो अपनी माँ को मारने जा रहा है जिसका नाम कैलिस्टो है। जुपिटर swept down, snatched कैलिस्टो। जुपिटर जो है वो नीचे हाथ बढ़ा करके कैलिस्टो को ऊपर उठा लेते हैं। द ह्यूज ब्लैक बियर एंड flung her into the night skies. और जो जुपिटर उनके फादर हैं आर्कस के तो कैलिस्टो को ऊपर उठा लेते हैं और एक बड़ा सा वहाँ आसमान में भालू बना देते हैं बियर बना देते हैं। फ्लंग मतलब होता है द्राज यानी कि स्नैच जो है जैसे कि जुपिटर जो है वो कैलिस्टो को ऊपर उठा लेते हैं और दूर दराज में तारा बना देते हैं आसमान में एक ब्लैक बियर बना देते हैं। देन ही ग्रैब्ड आर्कस एंड फ्लंग हिम टू इनटू द
darkness of the night sky, Arcas became a little bear next to his mother. तो और फिर उसके बाद आर्कस को भी उठा लेते हैं और दूर दराज में तारा बना देते हैं. एंड आर्कस बिकम ए लिटिल बियर नेक्स्ट टू हिज मदर. तो आर्कस की माँ एक ग्रेट बियर और आर्कस बिकम ए लिटिल बियर और आर्कस एक छोटे बियर में बन जाता है. द टू बियर्स चेंज इनटू स्टार और दो भालू जो हैं वो स्टार में बदल जाते हैं. कैलिस्टो इज नोन एज द ग्रेट बियर और कैलिस्टो एक बड़े बियर के नाम से जाना जाता है और आर्कस इज नोन एज द लिटिल बियर. इफ यू लुक अप एट नाइट स्काई यू कैन सी द शेप ऑफ द टू बियर्स आउटलाइन बाय स्टार. और जैसे कि आप जानते हैं कि कैलिस्टो को एक बड़ा बियर बना दिया और आर्कस को छोटा बियर. और जब रात के समय में आप लोग आकाश को देखते हैं तो दो बियर तारों के रूप में आप लोग को दिखते हैं.